हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट के रूप में 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने का ऐलान किया है। रेलवे के 11,72,240 कर्मचारियों को प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस मिलेगा। बोनस के रूप में 2,028 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। इस बोनस का मकसद कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है और अच्छे काम के लिए प्रेरित करना है। सरकार ने कहा कि बोनस रेलवे के प्रदर्शन में सुधार के लिए काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए एक तरह का इंसेंटिव है। ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्निकल हेल्पर, पॉइंट्समैन और अन्य ग्रुप एक सी स्टाफ को बोनस बांटा जाएगा। आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में उछाल से सितंबर में घर का बना खाना एक साल पहले की कंपैरिजन में महंगा हो गया है। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसील के अनुसार सितंबर 2023 में शाकाहारी भोजन थाली की लागत 28.10 रुपये थी, जो इस साल सितंबर में 11% बढ़कर 31.30 रुपये हो गई है। ये अगस्त में 31.20 रुपये थी। रोटी राइस रेट नामक इस रिपोर्ट में वृद्धि के लिए सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया गया है। शाकाहारी थाली की कुल लागत में सब्जियों का 37% है। सितंबर में प्याज की कीमत 53%, आलू की कीमत 50% और टमाटर की कीमत 18% बढ़ी है। इसकी वजह प्याज और आलू की कम आवक और भारी बारिश से आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्र में टमाटर का उत्पादन प्रभावित होना है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक कारोबारी आउटलुक के चलते अगले साल यानी 2025 में कर्मचारियों की सैलरी औसतन 9.5 यानी 9.5% तक बढ़ने का अनुमान है। एऑन पीएलसी के वार्षिक वेतन वृद्धि और कारोबार सर्वे के मुताबिक 2025 में कर्मचारियों के कुल वेतन में औसतन 9.5% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। 2024 में वेतन में औसत 9.3% की वृद्धि हुई है। इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल इंडस्ट्री में 10% वेतन वृद्धि होने का अनुमान है। इसके बाद वित्तीय संस्थानों में 9.9% की वेतन वृद्धि हो सकती है। आंतरिक स्तर पर प्रतिभा को विकसित कर कंपनियां नई नियुक्तियों से जुड़ी उच्च लागत में कमी ला सकती हैं। आने वाले कुछ सालों में आम आदमी के जीवन स्तर में बड़ा सुधार होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत अगले 5 साल में प्रति व्यक्ति आय को करीब 2 गुना यानी डबल कर देगा। आईएमएफ के अनुसार भारत को $2,730 प्रति व्यक्ति आय तक पहुंचने में 75 साल लगे, लेकिन इसमें $2,000 और जोड़ने में केवल 5 साल लगेंगे। आने वाले वर्षों में आम आदमी के जीवन स्तर में सबसे तेज वृद्धि देखी जाएगी, जो वास्तव में भारतीयों का युग होगा। भारत कुछ सालों में अपने प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना चाहता है। आईफोन बनाने वाली एप्पल भारत में 4 स्टोर खोलने जा रही है। ये स्टोर पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर और मुंबई में खोले जाएंगे। कंपनी जल्द अपने पहले मेड इन इंडिया आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स को भी लॉन्च करेगी। एप्पल ने अप्रैल 2023 में भारत में अपने पहले 2 स्टोर दिल्ली और मुंबई में खोले थे। नए स्टोर अगले साल खोले जाने की संभावना है। एप्पल भारत में अब आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स समेत सभी आईफोन 16 का निर्माण कर रहा है। एप्पल ने 2017 में भारत में आईफोन का निर्माण शुरू किया था। भारत में निर्मित आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स जल्द ही स्थानीय ग्राहकों के साथ ही दुनिया भर के चुनिंदा देशों में निर्यात के लिए अवेलेबल कराए जाएंगे। व्हाइट कॉलर जॉब्स यानी ऑफिस में बैठकर काम करने वाली नौकरियों के लिए भर्ती गतिविधियों में सितंबर में सालाना आधार पर 6% की वृद्धि आई है। आईटी सेक्टर में सुधार के कारण व्हाइट कॉलर जॉब्स की संख्या बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स सितंबर में सालाना आधार पर 6% की वृद्धि के साथ 2,727 अंक पर पहुंच गया। ये पॉजिटिव ट्रेंड मुख्य रूप से आईटी सेक्टर में तेजी से हो रहे सुधार के कारण है। इस क्षेत्र में भर्ती गतिविधियों में 18% वार्षिक वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार आईटी क्षेत्र में भर्ती में सबसे ज्यादा 47% की सालाना वृद्धि जयपुर में हुई। इसके बाद दूसरे नंबर पर 32% के साथ कोलकाता रहा। भर्ती के मामले में एफएमसीजी क्षेत्र में 23% की वृद्धि हुई, जबकि ऑयल एंड गैस सेक्टर में नौकरियां 13% बढ़ी।
पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच बढ़ते तनाव से भारतीय शेयर बाजार बिकवाली के दबाव से उबर नहीं पा रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 809 अंक और निफ्टी 235 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। विश्लेषकों का कहना है कि उथल पुथल भरे कारोबारी सत्र में FMCG, ऑटो और ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली के कारण बाजार में गिरावट आई। पिछले तीन दिनों में FIIs 30,614 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली कर चुके हैं। FII भारत के महंगे बाजार की जगह हांगकांग के सस्ते बाजार में पूंजी लगा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि चीन सरकार के मौद्रिक और राजकोषीय प्रोत्साहन से वहां की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। पिछले दो दिनों की गिरावट से निवेशकों को करीब 14,20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल अब गोल्ड लोन भी देगी। मोबाइल पेमेंट सर्विस जी पे के जरिए गोल्ड लोन अवेलेबल कराने के लिए गूगल ने मुथूट फाइनेंस के साथ समझौता किया है। गूगल ने कहा कि भारत के लोग अब सस्ती ब्याज दरों और लचीले उपयोग विकल्पों के साथ गोल्ड लोन फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल ने AI असिस्टेंट जेमिनी लाइव को हिंदी में शुरू करने की भी घोषणा की। आने वाले हफ्ते में इसे 8 अन्य भारतीय भाषाओं बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु, तमिल, उर्दू में भी शुरू किया जाएगा। कुछ सप्ताह में गूगल सर्च में जेनरेटिव AI आधारित सुविधा AI ओवरव्यू बांग्ला, मराठी, तेलुगु और तमिल में भी अवेलेबल होगी। रोज वैली की पोंजी स्कीम में पैसा लगाने वालों के लिए अच्छी खबर है। रोज वैली परिसंपत्ति निपटान समिति ने जमाकर्ताओं को धनराशि लौटाना शुरू कर दिया है। रोज वैली 2013 में बंद हो गई थी। इस घोटाले की जांच कर रही ईडी ने कंपनी की कुछ संपत्तियों की नीलामी करके जमाकर्ताओं को अब तक 19,40,00,000 रुपए लौटाए हैं। इन संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जब्त किया गया था। ADC की स्थापना कलकत्ता उच्च न्यायालय ने की थी और इसके चेयरमैन सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दिलीप कुमार सेठ हैं। अब तक ADC को जमाकर्ताओं से लगभग 29,00,000 आवेदन मिले हैं। रियल एस्टेट कंपनी प्रतीक ग्रुप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए सस्ते घर बनाएगी। प्रतीक ग्रुप गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में 125 करोड़ रुपए के निवेश से अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करेगा। इस रेजिडेंशियल सोसाइटी का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार की टाउनशिप परियोजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए किया जाएगा। EWS के लिए निर्मित फ्लैट की कीमत 5,35,000 रुपए होगी, जबकि निम्न आय वर्ग के परिवार के लिए बने फ्लैट की कीमत 12,58,000 रुपए से शुरू होगी। ये परियोजना गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में 40 एकड़ में फैली प्रतीक ग्रैंड सिटी टाउनशिप का हिस्सा होगी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 27 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 12.59 अरब डॉलर बढ़कर अपने अब तक के उच्चतम स्तर 704.88 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इससे पिछले सप्ताह देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.84 अरब डॉलर बढ़कर 692.29 अरब डॉलर हो गया था। ये पहली बार है जब विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। इस दौरान गोल्ड रिजर्व का मूल्य 2.18 अरब डॉलर बढ़कर 65.79 अरब डॉलर हो गया। विशेष आहरण अधिकार 80,00,000 डॉलर बढ़कर 18.55 अरब डॉलर और IMF के पास भारत का रिजर्व 7.1 करोड़ डॉलर घटकर 4.39 अरब डॉलर रह गया। दक्षिण कोरिया की ऑटो कंपनी हुंडई की भारतीय इकाई हुंडई मोटर इंडिया का 25,000 करोड़ रुपए का बहुप्रतीक्षित यानी मोस्ट अवेटेड IPO 14 अक्टूबर को आ सकता है। ये भारत का सबसे बड़ा IPO होगा। अभी LIC के 21,000 करोड़ रुपए की शेयर बिक्री को सबसे बड़ा IPO माना जाता है। हुंडई ने जून में सेवी के पास IPO की मंजूरी के लिए आवेदन किया था। सेवी ने हुंडई को IPO लाने की मंजूरी 24 सितंबर को दी थी। IPO दस्तावेजों के अनुसार ये निर्गम पूरी तरह से प्रमोटर हुंडई मोटर कंपनी के ऑफर फॉर सेल पर आधारित। इसमें कोई नए शेयर जारी नहीं किए जाएंगे। हुंडई मोटर इंडिया ने भारत में 1996 में परिचालन शुरू किया था। वर्तमान में ये विभिन्न सेगमेंट में 13 अलग अलग मॉडल बेचती है। जापान की ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी के 2003 में लिस्ट होने के बाद पहली बार कोई ऑटो कंपनी IPO लेकर आ रही है। तो मनी टाइम में ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूले। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी नाइन के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।